हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन पॉप्सिकल। गर्मियों की सीज़न में पॉप्सिकल खाने में बहुत ही मज़ा आता है, और वो भी जो घर का बना है तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई हम केमिकल प्रिजर्वेटिव के इसमें हम कोई कलर नहीं डालते हैं। बहुत ही ये हेल्दी है, टेस्टी है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम 1 kg वाटरमेलन ले लेंगे, और इसमें से अगर चाहे तो आप बीज निकाल सकते हो। इसमें अभी कम बीज दिख रहे तो मैं बीज अलग नहीं कर रही हूँ, तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। अगर बड़े बीज लग रहे हैं आप तो आप उसको हटा सकते हो। इस तरीके से आप बीज को निकाल सकते हो। तो अब हम वाटरमेलन को कट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो सारा वाटरमेलन हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा वाटरमेलन कट कर लिया है। अब हम इसका जूस बनाएंगे। तो इसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। एक बार में जितना वाटरमेलन आए उतना हम डाल देंगे। 2 बार करके हम इसका जूस बनाएंगे। तो ये हमने 1 बार का जूस बना लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको अब हम छान लेते हैं जिससे इसमें बीज है वो निकल जाए। तो इस तरीके से अच्छे से छान लेना है। तो ये हमने छान लिया है, आप देख सकते हो इसके बीज हमने अलग कर लिए हैं। इसी तरीके से बाकी के जो वाटरमेलन है उसका भी हम इस तरीके से जूस बना लेंगे और उसको भी हम छान लेंगे। तो ये वाटरमेलन का जूस रेडी है। इसमें बिल्कुल भी पानी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब हम इसके अंदर चीनी का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत चीनी भी डाल सकते हो। तो 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको पॉप्सिकल मोल्ड में भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉप्सिकल मोल्ड ले लिया है। टोटल इसमें से 12 पॉप्सिकल बनेगी। तो इस तरीके से हमको जूस भर लेना है। सारे पॉप्सिकल मोल्ड में हम जूस भर लेंगे ऊपर तक। अब हम इसके अंदर स्टिक लगा लेंगे जो साथ में आई हुई है। अगर आपके पास पॉप्सिकल मोल्ड नहीं है तो आप डिस्पोजेबल ग्लास में भी इसको जमा सकते हो। अब हम इसको 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे। ये अच्छे से जम जाने देंगे इसको, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये अच्छे से जम गई है, मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमको पानी में डिप करके निकालना है, इस तरीके से इजीली नहीं निकलती है क्योंकि ये अच्छे से जम गई है। तो हम खाली कुछ सेकंड के लिए इसको इस तरीके से पानी में डिप करेंगे 1-2 बार, और ये फिर इजीली निकल जाएगी। तो अब हम चेक कर लेंगे। हमने इसको 3 बार पानी में डिप किया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली निकल गई है और एकदम परफेक्ट अच्छे से जमी है। ये पॉप्सिकल बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम प्योर फ्रूट की है। आप और भी फ्रूट से इसी तरीके से पॉप्सिकल बना सकते हो। आप मैंगो की भी पॉप्सिकल इस तरीके से बना सकते हो, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, और ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ये पॉप्सिकल कैसी बनी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग।